hello everyone this is shilpi jha and i am now connected with project ibag by big buddy world from lopamudra through lopamudra so today i'm going to read out loud a poem from my collection which is in this diary and this is related to this project ibag which is about the language the indian languages i'm going to recite a poem in hindi about this थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग भाषा जितने सरल ये शब्द हैं दो अक्षर और दो मात्रा पर हम सब हो जाते स्तब्ध हैं कितनी कठिन हो जाती है, एक भाषा से दूसरे भाषा की यात्रा इन भाषाओं को सुनने वाले कान हमारे दो ही हैं। इनको अक्षरों में पिरोने वाले यंत्र भी हम सबके एक ही हैं। फिर क्यों हम हिंदी और सरहद पार हम कहते वो चीनी है हमारी पहचान बिंदी और सिर्फ हमारी ही मिट्टी की खुशबू भीनी भी नहीं है भाषा तो सागर के अनगिनत मोती है इन्हें पिरो तो सुंदर माला है फिर ये दुनिया क्यों इतनी रोती है ये कह के कि हम हिंदी और वो अंग्रेजी वाला है भाषा को बेड़िया ना बनाओ भाषा को बेड़िया ना बनाओ ये तो व्यक्ति की अभिव्यक्ति है सीखो पहले मैं फिर कहती हूँ सीखो पहले दूसरों की और फिर अपनी सिखाओ यही इंसानियत की शक्ति है इन बातों के लिए लड़ना क्या ये कहकर कि मेरी नई और मेरी सबसे पुरानी है इन मसलों का करना क्या हर भाषा की अपनी इतिहास और अपनी कहानी है हम आज भी दो हाथ और दो पैर वाले और बुद्धि वाले इंसान ही हैं फिर क्यों लड़ते हो भाषा की अहंकार के लिए बनाया तो हम सबको भगवान ने ही है सोचो भाषा एक कला है जितनी आए उतने बड़े कलाकार हो तुम जोड़ने में ही हम सबका भला है तंज और व्यंग तंज और व्यंग में कहीं कहीं ये हो न जाए गुम जानवरों और पक्षियों की आवाज़ सुनो ये एक ही जैसे गाते हैं भाषा तुम सबकी समझो और सुनो क्योंकि इनसे भी ऊपर इंसानियत के नाते हैं आई होप यू लाइक it. थैंक यू सो मच